मोदी जी कुछ तो कह दें, पर वो कुछ कह ही नहीं रहे। हाँ, एक बार अमित शाह ने जरूर बोला था, वो शायद ऐसा मेरे को लग रहा है, उन्होंने दिल्ली पुलिस वाले को आशीर्वाद दे के भेजा था, जाओ आंदोलन को भंग कर दो, परंतु वो आंदोलन को भंग तो यहाँ करने आए, आंदोलन भंग नहीं हुआ और इससे भी बड़ा रूप ले लिया। बाहुबली है ना, वो बाहुबली है, उसको ये अहंकार है, तो अहंकार उसका खत्म होगा, ये देख लेना, आप भी यहीं हो और जितने भी लोग समर्थन में है ना, उसका अहंकार खत्म होगा। बेतुके बयान देता है कि मैं शिलाजीत और पता नहीं क्या क्या चीज़, मैं इसकी मैं रोटी खाता हूँ मैं, अब वो किसी भी चीज़ की रोटी खाए, पर जितने भी यहाँ पे समर्थन आ रहे हैं यहाँ पे महिला खिलाड़ी के लिए, ये सारे मिलके उसको जेल की रोटी जरूर खिलाएंगे। हमारी जो सरकार है वो चाहती है कि आंदोलन और भी लंबा जाए, जैसे किसान आंदोलन गए थे ना, और एंड में मोदी जी को क्या बोलना पड़ा कि हमारी तपस्या में कमी आ गई है, तो ये आंदोलन और भी लंबा जाएगा, शायद उनको ये चीज़ का लग रहा है कि इसको हम और ज़्यादा लेके जाएंगे। परंतु मैं बता दूं, आज जिस तरीके से कैंडल मार्च शांतिपूर्वक निकाला गया है, इसी प्रकार से ये आंदोलन हमारा सभी समर्थनों के साथ शांतिपूर्वक ही चलेगा यहाँ पे। तो जिस प्रकार से अभी जो था पंचायत लगी थी, अल्टीमेटम दिया गया है कि 11 मई तक अगर लगता नहीं होगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा, बिल्कुल, अगर इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये बड़ा एक जन आंदोलन का रूप लेगा। अगर वो चाहते यही है तो ऐसा ही होना होगा, अगर वो चाहते ही गिरफ्तारी उसकी ब्रिजभूषण की करवा दे तो ये सबसे बेहतर होगा कि उसकी गिरफ्तारी करवा दे। तो अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बता रहे ना, कह रहे खड्डियां निराधार, तो आप देखिए निराधार तो 38 मुकदमे उस पर पहले से ही दर्ज है, वो तो निराधार नहीं होते, वो खुद इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैंने तो एक आदमी को मैंने उसकी हत्या कर दी थी, मैंने जीवन में मैंने एक हत्या कर रखी है। वो ऐसे बेतुके बयान देता है कि मैं शिलाजीत और पता नहीं क्या क्या चीज़, मैं इसकी मैं रोटी खाता हूँ मैं, अब वो किसी भी चीज़ की रोटी खाए, पर जितने भी यहाँ पे समर्थन आ रहे हैं यहाँ पे महिला खिलाड़ी के लिए, ये सारे मिलके उसको जेल की रोटी जरूर खिलाएंगे। आप उसे समर्थन बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति करने आ रहे हैं। राजनीति तो देखो कोई नहीं है, अभी 3 महीने पहले भी ये महिला खिलाड़ी बैठी थी ना जनवरी में इसी जगह पे, तब तो इन्होंने खुद ही बोल दिया था खिलाड़ियों ने कि हमारे भाई कोई समर्थन में कोई राजनीति के नहीं चलेगा, परंतु जब उन्हें विश्वास उठ गया कि हमारे साथ सरकार ने इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया, फिर उनको एंड में क्या करना पड़ा, अभी दोबारा धरना देना पड़ा और उसके बाद सभी से उनको समर्थन मांगना पड़ा। नहीं कह रहे जो शाहीन बाग और किसान आंदोलन में टुकड़े, ये कुछ नहीं है, ये कुछ अंधभक्त लोग हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी के मैसेज को यानी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से वो लाते हैं और उसी को वो वायरल कर देते हैं कि यहाँ पे शाहीन बाग जैसा माहौल बन रहा है, यहाँ पे ऐसा माहौल बन रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं ना, सारे के सारे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, किसान हैं, वही लोग आ रहे हैं यहाँ पे जो जुड़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी माहौल नहीं है, ये सिर्फ अपने नैरेटिव्स ऐसे पैदा कर रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे, उस पर क्या बोलेंगे? मोदी जी तो चुनाव में व्यस्त है, वो क्या बोलेंगे, उसी का ही तो इंतजार है कि मोदी जी कुछ तो कह दें, पर वो कुछ कह ही नहीं रहे। हाँ, एक बार अमित शाह ने जरूर बोला था, वो शायद ऐसा मेरे को लग रहा है, उन्होंने दिल्ली पुलिस वाले को आशीर्वाद दे के भेजा था, जाओ आंदोलन को भंग कर दो, परंतु वो आंदोलन को भंग तो यहाँ करने आए, आंदोलन भंग नहीं हुआ और इससे भी बड़ा रूप ले लिया। अभी देखा होगा ना, 2 या 3 दिन पहले जब बारिश हुई थी रात में, मैट्रेस गीले हो गए थे, तो उनको यहाँ पे फोल्डिंग, यहाँ पे उनको ले जाने नहीं दिया गया। क्यों नहीं ले जाने दिया? क्या उस फोल्डिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ें थी जिससे कि डर था कि यह आंदोलन यहाँ पे और भी ज़्यादा लंबा जाएगा? सिर्फ उनके जो सोने के जो बिस्तरे थे वो गीले हो चुके थे। और मैं एक बात और बता दूँ, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं कि हम इस आंदोलन को पूरा समर्थन दे रहे हैं, तो उनके समर्थन में उन्हीं की गवर्नमेंट में अब यहाँ पे देखो उनको लाइट तक मुहैया नहीं कराई जाती और यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार से उनके द्वारा कोई तो सहायता नहीं की जा रही। ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो स्टार्ट ही हुआ था हरियाणा में, वो ये सोच के केजरीवाल प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था कि उन्होंने एक बार देखा था कि सेल्फी विद डॉटर, तो सेल्फी विद डॉटर के नाम से ही उन्होंने एक इसका अभियान करा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज उसी राज्य की उसी प्रांत की बेटी यहाँ पे बैठी हुई है न्याय के लिए कि उनके साथ इस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, अब उनको न्याय दो। परंतु उन्होंने मन की बात में सिर्फ ये अभियान की बात करी, पर विनेश और साक्षी के साथ जो भी बात हुई है, जो भी दुर्व्यवहार हुए हैं, उसकी कोई बात नहीं कही। कम से कम वो इतना कहते कि बेटी आपके साथ न्याय होगा, अगर गलत हुआ है तो कुछ तो न्याय हम आपके साथ हैं, परंतु ऐसा नहीं हो रहा। ये जो आंदोलन जो चल रहा है, मैं आपको बता दूँ आपके माध्यम से कि ये किसी पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर या किसी गवर्नमेंट को ताना करने के लिए नहीं चल रहा, ये ब्रिजभूषण के खिलाफ चल रहा है। अगर उसको लग रहे हैं कि ये आरोप मेरे ऊपर निराधार है, गलत है, वो बताते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जज है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी अध्यक्षता में अपना जो भी नार्को टेस्ट करवाते हैं वो अपना करवा के देख लें। पंचायतों के बाद उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया, आज क्या है कि बच्चे गलती कर रहे हैं, कम से कम चाचा ताऊ गलती ना करें। देखो आरोप चाचा हो जाते हैं तो मैं आपके बीच आऊँगा, आप लोग जूता से मार मार के हत्या कर दें। हाँ, तो आ तो जाए, एक बार टेस्ट तो करवा लें यहाँ पे, जब भी तो पता लगेगा कि ये आरोप ये सिद्ध है या नहीं है, वो क्यों नहीं करता हुए हो, उसको मानना चाहिए ना। अगर वो अपने ही मुंह से बोल रहा है कि आप अगर चाचा ताऊ ये गलती करेंगे तो क्या होगा, चाचा ताऊ ने तो भाई जो किसान आंदोलन था उनको भी बड़ा रूप दिया था ना,
और एंड में क्या बोला मोदी जी ने कि हमारी तपस्या में कमी हो गई। तो मानसून सत्र अब आने ही वाला है, मानसून सत्र में फिर मोदी जी कुछ नया ढंग का लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, उसमें उनको पता लग जाएगा और चुनाव के बाद फिर माफ़ी मांग लेंगे। और वो कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं, वहाँ पे चला रहे हैं वो केरला स्टोरी कि महिलाओं के ऊपर बड़ा ही आपत्तिजनक हुआ है, उसके नाम पे वो वहाँ पे मूवी चला रहे हैं। क्यों? वो उनका एजेंडा है चुनाव को जीतने का, और बजरंग बली जैसे नारे दे रहे हैं। अगर उनको लगता है कि महिलाओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार हुए हैं तो ये जो महिलाएँ बैठी हुई हैं ये तो नहीं है। अगर इनके साथ हुआ है तो आप इनके साथ भी रहो ना, आप एक मतलब चुनावी प्रक्रिया है क्या? यहाँ बजरंग पुनिया बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो कि बजरंग बली के जो भक्त होते हैं पहलवान, जो अखाड़े में जाने से पहले बजरंग बली के आगे अपना शीश झुका के जाते हैं, उनके लिए तो कोई भी बजरंग दल का कार्यकर्ता यहाँ नहीं आए। आओ, उनका भी स्वागत है, समर्थन करो यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता अगर यहाँ पे आते हैं आंदोलन में समर्थन करने के लिए। देश की मीडिया आती है तो आप लोग नारेबाजी करते हैं? देखो, देश की मीडिया के पास कुछ काम नहीं है। उस दिन हुआ था ना, देश की मीडिया एक आई थी उसके साथ कर दिया। अगर उनको लग रहा है कि वाकई में हमें इस चीज़ को दिखाना चाहिए तो अपने चैनलों पर चलाते क्यों नहीं है, अपने चैनल पे चलाए, नेशनल मीडिया अपने चैनल पे चलाए और दिखाए कि देश की बेटी ने आज उनके समर्थन में पूरा देश उभर रहा है और आज कैंडल मार्च किया गया। आप बता दो किस चैनल पे दिखाया जा रहा है? पूरे चैनल में कर्नाटक के बारे में, अभी तक अतीक के बारे में दिखाया जा रहा है, परंतु यहाँ पे जो नारी बैठी हुई है धरने पे प्रदर्शन कर रही है, उनका इंटरव्यू चल रहा है तमाम चैनलों पे। ब्रिजभूषण तो एक पहलवान को थप्पड़ भी मार रहा है, वो भी एक गाल पे नहीं दो गाल पे थप्पड़ मार रहा है। वो आपने देखा होगा ना वो वीडियो कि वो एक गाल पे नहीं दो गाल पे थप्पड़ थप्पड़ पे तो कहा था कि कोई बाप अपने कोई पिता अपने बेटे को नहीं, उन्होंने बोला था ये मेरा शिष्य है। हाँ। कि मैं अपने शिष्य को थप्पड़ नहीं मार सकता। तो भाई शिष्य इतना बड़ा हो गया, हमने तो आज तक अपने गुरु के हाथ से थप्पड़ नहीं खाया इतनी बड़ी उम्र में आके, और वो मतलब उसको किस चीज़ का इतना गुरूर है कि वो मंच पे आके उसे थप्पड़ मार दे, वो भी पहलवान है। वो ऐसी उसने क्या गलती कर दी थी कि उसने थप्पड़ मार दिया उसे? क्योंकि उसको वो बाहुबली है ना, वो बाहुबली है, उसको ये अहंकार है, तो अहंकार उसका खत्म होगा। ये देख लेना, आप भी यही हो और जितने भी लोग समर्थन में है ना, उसका अहंकार खत्म होगा। अगर वो सही अपने आप को सिद्ध कहता है तो एक बार आ जाइए यहीं पर और बेटी के साथ बैठो यहाँ पे और सारी मीडिया के सामने बोलो। क्यों नहीं बोलते हैं वो चुपचाप एक बंद रूम में, एक अपने कमरे में चार दीवारी में आके डिबेट करते हैं और वहाँ पे वो खुद ही बोलते हैं कैमरा हटाओ। जब एक एंकर ने पूछ लिया क्या आपने छाती पे हाथ लगाया था, दो तीन बार बोल दिया ब्रिजभूषण से, तब वो क्या कर रहे थे? भाई ये माइक हटाओ, कैमरा हटाओ। अगर आप उस वीडियो को खंगालेंगे तो मिल जाएगा आपको।